दोस्तों आप लोगों ने दृश्यम फिल्म शायद देखी होगी, और अगर नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद ये फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल मसाला हिंदी फिल्म नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है। दृश्यम का मतलब है विजुअल, यानी कि जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है। ये पूरी फिल्म बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट पर कि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं उस चीज पर हम ज्यादा यकीन करते हैं और उसे हम ज्यादा याद भी रखते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। तो दृश्यम की सारी कहानी जो है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि फिल्म के कैरेक्टर्स ने अपनी आंखों से जो देखा वो चीज उन्हें याद थी। दृश्यम फिल्म से मैं मोटिवेट कैसे हुआ हूँ, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल फिल्म तो किसी एंगल से नहीं है। ये एक प्योरली फिक्शनल बेस्ड फिल्म है जिसकी स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में नरेट की गई है। लेकिन मैं स्टोरी नहीं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे आपको ये बताना है कि ये फिक्शनल फिल्म मेरे लिए इंस्पिरेशनल क्यों है। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं ये लाइन जरूर सुने होंगे कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाइए, अगर आपको फिजिकली फिट रहना है तो फिजिकली फिट लोगों के साथ एक्सरसाइज करिए, अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों के साथ एसोसिएट करिए। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बिल्कुल सच है। चलिए एक एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर अभी आपके सामने यूसेन बोल्ट आ जाए और आपसे कहे कि चलो जॉग पर चलते हैं, तो आप जरूर अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा भागेंगे अपने आप को पुश करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि आपकी रनिंग कैपेसिटी आपकी नॉर्मल कैपेसिटी से थोड़ी ज्यादा है। मैं भी यही करूंगा क्योंकि मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं इतना भी स्लो नहीं हूँ। ये अलग बात है कि वो एक मोटरसाइकिल की तरह हमसे आगे निकल जाएंगे। तो उस वक्त पे हम अपने आप को इतना ज्यादा क्यों पुश करते हैं जब कोई हमारे सामने ये दिखा रहा है कि एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी कैपेबिलिटी हमसे इतनी ज्यादा है? क्योंकि हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं कि सच में कोई इतना फिजिकली पावरफुल भी हो सकता है, तो मुझे थोड़ी ज्यादा कोशिश तो करनी चाहिए। और इसी तरह जब हम किसी अमीर इंसान के साथ एसोसिएट करते हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि क्या सच में कोई इतना अमीर हो सकता है। या जब हम किसी खुश इंसान के साथ रहते हैं और उसे देखकर हम सोचते हैं कि क्या सच में कोई इतना खुश भी हो सकता है, या चाहे वो जो भी क्वालिटी हो, हम अपनी आंखों से वो देख रहे हैं जो हमारे अंदर वो इमोशंस पैदा करते हैं और हम उस चीज पर विश्वास करने लगते हैं। दृश्यम। तो मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 साल बाद आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, हो सकता है कि आप मेरी बात पर विश्वास करें, या ये भी हो सकता है कि आप मेरी बात पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपने अब तक वो फ्यूचर देखा ही नहीं जो आपको बनानी है। लेकिन मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त जो आप ही के सोशल लेवल का था और अब वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है, हो सकता है कि उसे देखकर आप ये सोचेंगे कि अगर ये इतना सक्सेसफुल हो गया है तो जरूर मैं भी कन्विंस हो गया हूं कि मैं भी इतना सक्सेसफुल हो सकता हूं, क्योंकि आपने अपनी आंखों से उसे सक्सेसफुल बनते हुए देखा है। दृश्यम। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो सकता है लेकिन मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो चलिए इस दृश्यम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है और अगर आपने कुछ किताबें पढ़ी है और कुछ वीडियोस देखे हैं, तो ज्यादातर लोग आपसे ये कहेंगे कि आप जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं अपने लिए उसे विजुअलाइज करिए, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप जो फ्यूचर चाहते हैं खुद के लिए उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराइए, उसे विजुअलाइज करिए। ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि बार बार विजुअलाइज करने से आपको ये सच लगने लगेगा कि मेरी जिंदगी में ये पॉसिबल है। एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर लिया कि ये पॉसिबल है, फिर आपको किसी और को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस चीज में सक्सेसफुल हो सकता हूं या नहीं। और ये होने के बाद आपके लिए वो एक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा जो आपको अपनी गोल की तरफ ले जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करने से आपको सक्सेस की गारंटी मिलेगी, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ऐसा करने से आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी एक ही यूनिटी में आगे बढ़ेगा। और ये इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपना फ्यूचर ऑलरेडी देख लिया है। दृश्यम। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, इसका मतलब है कि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वही चीजें हमारी दिमाग में ज्यादा चलती है। तो जो भी आपके इंटरेक्शंस हैं, आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, जो इंटरनेट न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जो टीवी पर देखते हैं, जो बातें करते हैं,
वो सब लगातार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं और हमारे बिलीव्स बना रहे हैं। तो इस दृश्यम के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ये ध्यान में रखिए कि ये सारी चीजें आपकी दिमाग में एक दृश्य बना रही है, क्योंकि आप उन्ही बिलीव से आगे बढ़ रहे हैं और वो बिलीव्स आपके एक्शंस डिसाइड कर रहे हैं। जो दृश्य आपके दिमाग में चल रहे हैं काफी हद तक वही आपके रियल लाइफ के दृश्य भी बना रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये कोई फिल्म का स्टोरी का नरेशन नहीं था, लेकिन फिल्म देखने के कुछ देर बाद मुझे ये समझ में आया कि इस दृश्यम के कॉन्सेप्ट को हम रोज अप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि हर इंसान अपने दिमाग में एक अलग दृश्य बनाता है, हर किसी के बिलीव्स भी काफी अलग है, तो आप अपने दिमाग में ऐसे दृश्य बनाएं जो आपको अपने लिए एक मोटिवेटिंग फ्यूचर दिखाए जिसकी तरफ आप आगे बढ़ सके। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई। आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।